नमस्कार, मेरा नाम है अनुपमा और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। 5 से 8 जुलाई तक का अयोध्या पूर्वानुमान का खास विश्लेषण। भारत में मानसून तय समय से बहुत पहले ही छा गया था और पूर्वी में मध्य भारत में जमकर बरसात हुई, लेकिन देश के अन्य सभी भागों में कुछ दिन बरसात करके एक लंबा विराम लग गया। उत्तर भारत में तो हरियाणा व राजस्थान में इतनी कम बारिश हुई कि लोग मानसून को लेकर बड़े असमंजस में पड़ गए। क्या सच में मानसून आ गया है? कुछ इलाके जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ व इनसे लगते हरियाणा के जिलों में अभी भी बारिश न के बराबर दर्ज है। 5 जुलाई को पश्चिमी विक्षोभ व मानसून की ट्रिफ रेखा में हुई टक्कर से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश हुई, लेकिन यह दौर मात्र 6 घंटे ही चला तो फिर से उत्तर भारत में आधे भाग बिना बारिश के रह गए। 6 जुलाई को जहां सभी ने इन राज्यों में भारी बारिश जताई थी, वह पूरी तरह चौपट हो गई। उसका जिम्मेदार साफ तौर पर हम गुजरात पर बने निम्न दाब को ठहरा सकते हैं, जिसने पश्चिमी विक्षोभ की नमी भी पूरी गुजरात पर ही ला दी। इसके चलते हमें भी लज्जा का सामना करना पड़ा। अगर यह निम्न दाब नहीं बनता तो हमें लगता है कि उन दिनों में मानसून की इस माह की बारिश औसत के नजदीक आ जाती। इसके बाद आती है 7 जुलाई, जब हमने एक बार फिर शाम से राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली में बारिश बढ़ती दिखी, जो काफी हद तक सही भी रही और यह दिन एक बार फिर से हमारे लिए आत्मविश्वास लेकर आया। 8 जुलाई को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में बहुत से स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन इस बार फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ व अन्य कुछ इलाके सूखे रह गए। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। मानसून की अक्षय रेखा हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में शरण लेने जा रही है, जो लंबे समय तक मैदानी इलाकों में आती नजर नहीं आ रही है। मानसून अब एक बार फिर से मैदानी राज्यों से रूठेगा। गुजरात में बारिश पूरी तरह रुक जाएगी, जिससे बाढ़ से राहत मिल जाएगी तो राजस्थान में एक बार फिर से किसानों के लिए बारिश की कमी होगी, लेकिन हरियाणा व पंजाब में हल्की बारिश पूरे सप्ताह होती रहेगी, जिससे बीच बीच में फसलों को जीवनदान मिलता रहेगा। तो बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत में भीषण बारिश से फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे। 11 जुलाई की रात्रि से एक छोटा व कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पंजाब व हरियाणा में हल्की से कुछ एक जगहों पर मध्यम बारिश देगा। इसका असर 13 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी व उत्तर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावनाएं बनेगी। पंजाब के तराई भागों में एक दो जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इन तीनों दिनों में मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जगह जगह हल्की से कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम मुख्यतः सूखा लेकिन बादलवाही युक्त रहेगा। हिमालय से लगते विभिन्न मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश होती रहेगी। 16 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आयोग, लेकिन इससे कुछ खास बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके लिए तय समय पर अपडेट कर दी जाएगी। मानसून के समय में कोई सिस्टम नहीं होने पर भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज होती है, जो कि स्थानीय कारणों व मानसूनी कारक के संयुक्त प्रभाव से होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि तेज गर्मी व उमस से दोपहर बाद आपके इलाके में कुछ मिनट के लिए गर्जना के साथ तेज बारिश हो सकती है। आज के लिए इतना ही। तत्काल अलर्ट समय पर देते रहेंगे। जुड़े रहिए सिटी 24 के साथ।